यूनिट वन सोल्यूशन एग्जाम्पल नंबर थर्ड कैलकुलेट मलालिटी ऑफ़ टू पॉइंट फाइव ग्राम ऑफ इथोनॉक एसिड दैट इज सी एस सी सी ओ ओ एच इन सेवेंटी फाइव ग्राम ऑफ बंजीन इसके अंदर हमें सिंपली मलालिटी कैलकुलेट करनी है इथोनॉक एसिड की जिसका फॉर्मूला होता है सी एस सी सी ओ एच ये हमें टू पॉइंट फाइव ग्राम गिवन है एंड बंजीन सेवेंटी फाइव ग्राम गिवन है इसको हम के में कन्वर्ट कर देंगे दैट इज सेवेंटी फाइव बाई थाउजेंड और जो हमारा इथेनोइक एसिड होगा वो सैल्यूट होगा बेंजीन सॉल्वेंट होगा क्यों होगा क्योंकि सॉल्वेंट हमारा हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में होता है और सोल्यूट कम क्वांटिटी में होता है ना इसमें हमें निकालनी मोलालिटी तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है मोल्स ऑफ अ सैम्पल डिवाइड बाय मास ऑफ अ सॉल्वेंट इन के तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन के हमारे पास है पहले से सेवेंट फाइव बाई थाउजेंड के हमें क्या निकालना है बस मोल्स ऑफ सैंपल निकालना है वो भी मेरा निकल जाएगा कैसे निकलेगा यूजिंग दिस फॉर्मूला दैट इज गिवन वेट ऑफ अलवाइड बाई मोलर मासवन वेट हमारे पास है दैट इज 2.5 ग्राम मोलर मास हम निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से हम हमें कार्बन का मोलर मास पता है हाइड्रोजन का पता है देन ऑक्सीजन का पता तो हम सिंपली पुट करेंगे वैल्यू ट्वेल्व इंटू टू ट्वेल्व कार्बन का होता है इंटू टू क्योंकि दो कार्बन प्रेजेंट है देन प्लस वन इंटू फोर वन होता है हाइड्रोजन का और फोर हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है तो इंटू फोर इसी तरीके से सिक्सटीन इंटू टू तो इसकी सम अप वैल्यू क्या आएगी सिक्सटी ग्राम पर मोल हमारे पास मोलर मास आ गया सैंपल का दैट इज सी एस थ्री सी ओ एच और हमारे पास गिवन मास भी है तो इस सम मोल्स निकाल लेंगे सिंपली वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले में और कुछ इस तरीके से आ जाएगी टू पॉइंट फाइव ग्राम डिवाइड बाई सिक्सटी ग्राम दैट इज़ जीरो पॉइंट जीरो फोर वन सेवन मोल तो हमारे पास सी एस थ्री सी ओ एच के नंबर ऑफ मोल्स आ गए और हमारे पास मोलर मास भी है सॉरी मोल मास नहीं मास ऑफ सॉल्वेंट भी है तो इस इन दोनों की वैल्यू सिंपली इस फॉर्मू में पुट करेंगे तो वो इस तरीके से कुछ हो जाएगा जीरो पॉइंट जीरो फोर वन सेवन डिवाइड बाय सेवेंटी फाइव बाय थाउजेंड जीरो पॉइंट जीरो फोर वन सेवन हमारा मोल्स से, है ऑफ़ सी एस टी सी यू एच सेटी फाइव बाई थाउजेंट हमारा मास ऑफ सॉलवेंट है ओके okay. नाउ इसको हम कुछ इस तरीके से लिख देंगे थाउजेंड हमारा ऊपर चले जाएगा दैट इज जीरो पॉइंट जीरो फोर वन सेवन इन टू थाउजेंड डिवाइड बाई सेवेंटी तो इसकी वैल्यू आ जाएगी जीरो पॉइंट फाइव फाइव सिक्स स्मोल स्मोल मीन्स मोलल इसको हम सिंपली यूनिट में लिखेंगे तो आ जाएगा मोल पर के जी दैट इज जीरो पॉइंट फाइव फाइव सिक्स मोल्स पर के जी तो हमें सिंपली निकालना था इस क्वेश्चन के अंदर Molality of a COH that is 0 0.556 mole per kg. That's it.